हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास जॉब वैकेंसी का। खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारा वैकेंसी, जिसमें कुछ डायरेक्ट सोशल वर्क के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कुछ के लिए एलिजिबिलिटी रखा गया है कि मास्टर इन सोशल साइंस, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए सोशल वर्कर। ढेर सारी वैकेंसी की बात करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। चलिए लगातार देखते हैं, बैक टू बैक सारे नोटिफिकेशन को देखते चले जाएंगे। तो बिना किसी देर के एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी आई है। कॉल फॉर द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिल के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कब इस्टेब्लिश हुआ था, लाइक 1936 में हुआ था, और ये किस नियम के तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और साथ में यहाँ पे रैंक की बात की गई है, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है कि 52 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और 18 डॉक्टरल प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे इन डिफरेंट कैंपस। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी की। थोड़ा सा यहाँ पे पोस्ट एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, पे स्केल, रिम्यूनरेशन, ये सब लास्ट डेट सब कुछ हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वन पोस्ट फॉर प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल्ड फील्ड बाई द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पीरियड ऑफ वन ईयर इनिशियली एंड इट मे बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये सारी बातें दी गई है। यहाँ पे जो मंथली सैलरी होगा 50,000 पर मंथ होगा, यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट रूप से। और लास्ट डेट है वो 15th of February 2023 है, यानी कि 15 फरवरी से पहले आपको अप्लाई कर देनी है। दीज आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ दिस वैकेंसी। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपको किस तरह से काम करना है। टू सपोर्ट फैकल्टी प्रोजेक्ट लीडर्स एंड टू असिस्ट फैकल्टी PLS इन द डेवलपिंग बजटरी प्रोविजन एज पर नॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट एंड इन कंसल्टेशन विद द अकाउंट सेक्शन। द असिस्ट टू असिस्ट फैकल्टी PLS इन द कम्प्लीटिंग बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट वर्क। तो इस तरह से आपको असिस्ट करना है फैकल्टी मेंबर को, इस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके लिए काम करनी होगी आपको। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द 7-point स्केल एंड द लेटर OABCDEF एट द मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया कि मास्टर डिग्री आपका किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो यहाँ पे सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी है तो इसको सोशल वर्क के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, 1000 लगेगा फॉर द जनरल कैटेगरी एंड फॉर SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 250 लगेगा। वहीं यहाँ पे वीमेन अप्लीकेंट के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है उसको वेव ऑफ किया गया है, उनको किसी भी तरह का अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। यहाँ पे अदर कंडीशंस दिए गए हैं, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं, आई विल नॉट डिस्कस। थोड़ा आप इसको वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। और अप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ दिया गया है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही अप्लाई करना है थ्रू द वेबसाइट, और जो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है उसके थ्रू ही आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप जीमेल पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको प्रोसेस करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका रिटेन और पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट वगैरह होगा, और इस तरह से आपका फाइनली रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये छूट गया है कि यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एप्लीकेंट शुड हैव मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट और फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट और प्रीफरेबली इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको आना चाहिए, साथ ही वर्ड, एक्सेल, ये सब भी आपको, मतलब कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, साथ ही हिंदी और इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला छूट गया था, उसको चलिए हम कवर कर दिए। यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क करके अगर आपने 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है फिर से आपको टीस मुंबई के लिए ही, और यहाँ पे जो लोकेशन है वो यहाँ पे मुंबई रहेगा आपके वर्क लोकेशन। और ये ड्यूरेशन होगा इस पोस्ट के लिए फरवरी 2023 से लेकर 7 मंथ्स के लिए। नेचर ऑफ इंगेजमेंट पार्ट टाइम है, ये पार्ट टाइम जॉब होगा, और यहाँ पे जो सैलरी होगी 27,000 पर मंथ मिलेगा। लास्ट डेट 12 फरवरी 2023 अप्लाई करने के लिए। और
इसका जो एप्लीकेशन है वो मांगा गया है स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। द सेंटर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्कूल ऑफ सोशल वर्क इज लुकिंग फॉर द प्रोग्राम मैनेजर फॉर काउंसलिंग स्किल प्रोग्राम्स। इस पोस्ट के लिए इनको यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर चाहिए। द प्रोग्राम मैनेजर विल बी असिस्टिंग फैकल्टी कोऑर्डिनेटर इन द स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ द कोर्सेज, यानी कि कोर्स स्मूथली कंडक्ट हो इसके लिए यहाँ पे जो प्रोग्राम मैनेजर है वो फैकल्टी को असिस्ट करेंगे। यहाँ कई सारे जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया गया है, उसको स्किप करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या कुछ मांगे गए हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन काउंसलिंग साइकोलॉजी या सोशल वर्क होना चाहिए, यानी कि अगर आपने पीजी किया है सोशल वर्क से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि आपका मेंटल हेल्थ मेडिकल सोशल वर्क या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्क में। रिलेवेंट ट्रेनिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, साथ ही डेडिकेटेड टुवर्ड्स शेपिंग योर लर्नर्स विद द रिलेवेंट ट्रॉमा फोकस्ड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्किल इन टीचिंग एंड सुपरविजन। जो कैंडिडेट यहाँ पे पीएचडी या फिर एमफिल के होंगे उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशन आपको कैसे अप्लाई करना है। अब प्लीज़ सेंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बाय द ईमेल टू, यहाँ पे ईमेल के थ्रू आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, यानी कि मेल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पार्ट टाइम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे अपना कवर लेटर लिखना है इंक्लूडिंग सुटेबिलिटी ऑफ मोटिवेशन फॉर द पोस्ट, साथ ही आपको अपना सीवी अपलोड करना है, यानी कि इस पोस्ट के लिए आप खुद को कैसे सुटेबल पाते हैं वो, और साथ में आपको अपना सीवी दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे उनको ज्वाइनिंग इमिडिएटली दी जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम एक ही वीडियो में बहुत सारे वैकेंसी को कवर कर रहे हैं, अब तक हमने दो नोटिफिकेशन देख लिया, आगे हम पांच और देखेंगे, ये है तीसरा। चलिए बात करते हैं कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफिसर वुमेन एंड जेंडर डेवलपमेंट सेल के लिए, यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल दिया गया है और इस प्रोग्राम जो वुमेन एंड जेंडर डेवलपमेंट सेल कैसे काम करती है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात यहाँ पे दी गई है। पोस्ट एडवर्टाइजमेंट विथ स्किल एंड पे यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वन पोस्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफिसर वुमेन एंड जेंडर डेवलपमेंट सेल टू बी फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ वन ईयर इनिशियली एंड एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, मंथली सैलरी होगी 40,000 से लेके 45,000 तक। लास्ट डेट आपको 15th of February 2023 है, आप उससे पहले अप्लाई कर ले। थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप इस पोस्ट को ज़रूर अप्लाई करें। इसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगा गया है मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, यानी कि अगर आपने सोशल वर्क से मास्टर्स किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने जेंडर स्टडी या फिर लॉ से भी आपने मास्टर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए एंड द एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद जेंडर इशू एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी कि आपके पास MSW का डिग्री के साथ 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 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कई सारी चीज़ दिए गए, आप एक एक करके उसको देखिएगा। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया गया है, नॉर्मली यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी 500 जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर STSC कैंडिडेट के लिए 125 है, वही वुमेन के लिए यहाँ पे कोई अप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अदर कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। लास्ट में अप्लीकेशन प्रोसेस और इंटरव्यू के बारे में दिया गया है, इसके लिए आपको क्या करना है। इन केस ऑफ एनी इनएडवर्टेंट एरर इन द एडवर्टीजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट विच मे बी डिटेक्टेड एट एनी स्टेज इवन आफ्टर इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, द इंस्टीट्यूशन रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई विदड्रॉ कैंसिल एनी कम्युनिकेशन मेड टू द कैंडिडेट्स, यानी कि अगर किसी भी तरह का इनएडवर्टेंट एरर अगर किसी तरह का आ जाता है तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने हैं, www.tis.edu पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। एंड कैंडिडेट को यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो जो भी उसका एक्नॉलेजमेंट होता है ऑनलाइन अप्लीकेशन का उसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, और जो कोई भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल के थ्रू मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, और आप उस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होने के तुरंत बाद 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेनी है।
नेक्स्ट वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए रिसर्च ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होगा। चेंजिंग सेक्सुअल नेटवर्क एंड अनएक्सप्लोर्ड इस बिहेवियर ऑफ ट्रक एंड ड्राइवर्स एंड एलाइड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे रिसर्च बेस्ड ये जॉब है। इसके लिए 5 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 55,000 इसमें सैलरी होगी और जो लास्ट डेट है वो अप्लीकेशन का वो 6 फरवरी 2023 था। चूँकि एडवर्टाइजमेंट मैंने पहले इकट्ठा किया था तो आज ये डेट ख़त्म हो चुका है, तो इसको डायरेक्ट स्किप करते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस मांगा गया था, तो इस पोस्ट को भी आप लोग अप्लाई कर सकते थे एज ए रिसर्चर। आज के लास्ट नोटिफिकेशन को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोग्राम एसोसिएट के लिए। प्रोग्राम एसोसिएट का पोस्ट है, पोजिशन है एक ही और ये फुल टाइम नेचर का है। द IFRC टेस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन डिसास्टर मैनेजमेंट इज ए यूनिक पार्टनरशिप बिटवीन द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड द रेड क्रिसेंट सोसाइटी एंड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। द प्रोग्राम हैज़ द ग्लोबल आउटरीच एंड द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम एडवर्स प्रोफेशनल एकेडमिक एंड द कल्चरल बैकग्राउंड एंड हैव बीन वेल रिसीव्ड बाई ऑल। ये यहाँ पे इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। ये इसका नेचर है कि आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा 3 मंथ्स के लिए एज ए इंटर्न फॉलोड बाय द रिव्यू एंड बेस्ड ऑन विच अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन 1 ईयर। यानी कि पहले आपको 3 महीने के लिए एज ए इंटर्न यहाँ रिक्रूट किया जाएगा, फिर एक आपका रिव्यू होगा, फिर आपको 1 साल के लिए आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कोहर्ट मैनेजमेंट कोहर्ट एडमिशन प्रोसेस एंड द कंपिलेशन फॉर अप्लीकेशन स्क्रूनिटी एंड द प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट। आपको डेवलप करना होगा, पब्लिश करना होगा, जो भी सोशल मीडिया पेज के लिए जो भी कंटेंट है वो आपको डेवलप करना होगा, पब्लिश भी करना होगा। साथ ही आपको जितना भी मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये सब का इंटरेक्शन आपको दिया जाएगा। साथ ही इस तरह का जो काम है वो सब आपको काम करना होगा। इसके लिए मंथली सैलरी आपको 30,000 पर मंथ होगा शुरू में 3 मंथ्स के लिए, और देन आपको 3 मंथ्स के बाद आपका सैलरी रिवाइज करके अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस उसको फिर बढ़ा दिया जाएगा। इस पोस्ट को सोशल वर्कर वाले इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मास्टर इन सोशल साइंस मांगा गया है, तो सोशल साइंस के अंडर आपका सारा सब्जेक्ट आता है, MSW आता है, सोशल वर्क आता है, तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे दिया गया क्लियरली कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए डिसास्टर स्टडी या फिर सोशल साइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड द प्रोफेंसी विथ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। आपको इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है यहाँ का। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ईमेल ए कॉपी ऑफ देयर रिसेंट CV नॉट एक्सीडिंग 4 पेजेस विद द कवर लेटर एंड फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस पे आपको भेज देना है अपना CV, यहाँ पे दिया गया है, और वहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में आपको मेंशन करना है पोजीशन फॉर द प्रोग्राम एसोसिएट, और साथ में आपको यहाँ पे किस IFRC टिस भी लिखना है। लास्ट डेट है 17th of February 2023, और जो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा थ्रू द ईमेल एड्रेस। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ऐसी इंफॉर्मेटिव सोशल वर्क से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।